हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ सीमाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना पर। फिर से एक बार आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्र जो है फास्टिंग यानी व्रत का टाइमिंग है। पूजा अर्चना व्रत करते हैं। सो व्रत में खाए जाने वाले बहुत सारे चीजें हैं, उनमें से एक मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, सिंगदाना यानी कि पीनट्स, मूंगफली, ग्राउंडनट्स। और ये है कच्चे ग्राउंडनट्स यानी कि रॉ मूंगफली, जो अभी अभी मिट्टी से इसको निकाला है यानी फ्रेश है। मार्केट में, बाजार में इजीली आपको ये मिल जाते हैं आजकल, क्योंकि अभी नवरात्र के फास्टिंग का टाइम चल रहा है और इसे नवरात्र में अनडाउटली इसे खाया जा सकता है। उपवास व्रत के लिए बहुत ही अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स है। ये हाफ के जी सिंगदाना है। फिलहाल तो ये बहुत ही गंदा है, इसको हमें साफ करना होगा। इस रॉ ग्राउंडनट्स यानी पीनट्स को हम तरह तरीके से खा सकते हैं। वैसे तो हम इसे ऐसे ही निकाल के कच्चा ही खा सकते हैं। देखिए बाहर से ये कितना गंदा है, मिट्टी लगी हुई, लेकिन अंदर से ये इतना ही साफ सुथरा, कितना खूबसूरत है, देखिए है कि नहीं। तो मेरा भी अभी व्रत है, मैं इसे अपने व्रत में लेती हूँ। एक तो इसे हम कच्चे भी खा सकते हैं। इट्स सो टेस्टी। लेकिन कुछ कुछ लोगों को कच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको फ्राई करके भी खाया जा सकता है। विद कवर इसको फ्राई करना है, स्टीम्ड करना है, और दूसरा इसको उबाल के भी खाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसको उबाल के यानी कैसे बॉइल करें और उपवास में खाने के लिए कैसे यूज करें, वो वाला रेसिपी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये कोई रेसिपी वेसिपी है नहीं, इट्स सो सिंपल। जस्ट कुकर में हमें सेड़े लगा लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है, और हमें विद कवर कुक करना है। ओके, इसके छिलके के साथ हम कुक करते हैं तो ये अंदर से स्टीम्ड हो जाता है पानी और वाफ के साथ, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो सबसे पहले तो ये अभी गंदा है, इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। मिट्टी हो गया है तो थोड़ा हाथ से निकाले तो फटक से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि देखिए रॉ पीनट्स है यानी कि कच्चा जो मूंगफली है, हमें इसे खरीदने पड़ते हैं मार्केट से, बाजार से। मैंने इसको अभी 50 रुपीज पर किलो खरीदा है। तो इस तरह से हम कचरा निकाल लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं बहुत सारा वाटर ऐड करूँगी, थोड़ा सा रफली हम इसको रफ करते हुए इसकी मिट्टी निकालने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन सी हियर, मैंने 2-3 बार धो लिया है, काफ़ी पानी साफ हो गया है काफ़ी हद तक। मैं भी ज़्यादातर व्रत में, नवरात्र के व्रत में यही प्रेफर करती हूँ, और ये इसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता है। इसको आप माता रानी को एज अ प्रसाद भी भोग लगा सकते हैं, और पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जो बॉयल किए हुए इसके मूँगफली के दाने हैं, प्रसाद स्वरूप आप भक्तों में बांट भी सकते हैं पूजा और आरती के बाद। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये साफ हो गया है कि नहीं। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक कुकर की। अब सोच रहे होंगे कुकर की, अगर हम दूसरे बर्तन, पातीला या किसी चीज़ में कवर करके हम इसे बॉईल करने लग जाएंगे, इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि ये विद कवर के साथ होता है तो इसके जो अंदर के पीनट्स हैं उसे पकने में बहुत टाइम लगता है। तो हमें इसे कुकर में बनाएंगे, कुकर में सीटी लगाएंगे। तो कुकर में सीटी लगा के बनाने से क्या होता है कि प्रेशर की वजह से ये जल्दी से कुक हो जाएगा और अंदर के दाने अच्छे से जल्दी से कुक हो जाएंगे, तो और कम समय में भी ये तैयार हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, अदरवाइज़ ये दूसरे बर्तन में आसानी से कुक नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, 1/2 kg मूँगफली के लिए 1/2 लीटर वाटर इनफ है। अब यहाँ पे मेरे पास है नमक। गाइस ये नॉर्मल सी सॉल्ट नहीं है, इसे कहते हैं सेंधा नमक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉक सॉल्ट, यानी कि व्रत यानी उपवास में खाए जाने वाले सॉल्ट है। अगर हम सॉल्ट नहीं खाते हैं उपवास में, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो हम बिना सॉल्ट के ही इसे उबालेंगे। अगर सॉल्ट खाते हैं, नमक इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि नमक जो है पीनट्स के अंदर अंदर दाने तक एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत टाइम लगेगा,
और बहुत स्लोली अंदर जाएगा, और इसलिए ज़्यादा नमक यहाँ डालने की ज़रूरत है। तो मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिया है, और अब मैंने यहाँ पे गैस फ्लेम को ऑन कर दिया है, और गैस का फ्लेम जो है मैंने हाई कर दिया है ताकि फटाफट से विसल लगना शुरू हो जाए और जल्दी से पक जाए। तो ये हमारा शिंगदाने बॉइल्ड होके कुक होके बिल्कुल तैयार है। मैंने कंटिन्यूसली 5 सीटी लगा लिए थे, और उसके बाद 6-7 मिनट मैंने लो आंच में इसको कुक किया बिना ढक्कन निकाले, बिना सीटी निकाले। अब और मैंने इसको सीटी की हवा निकलने तक वेट किया, और देखिए अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो आई एम श्योर ये अच्छे से कुक हो गया है। अगर इनकेस अगर आपको लगे कि अंदर के जो पीनट्स हैं अच्छे से कुक नहीं हुए, सॉफ्ट नहीं हुए, तो 2-4 सीटी और लगा लीजिए, इट्स फाइन। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से छान लें और ठंडा होने दें, और फिर इसको छिलके निकाल के खाएं। अगर आपको इसको अभी भी चाहिए तो गर्मा गर्म तो पानी पूरा छान लेंगे, और इसको ठंडा करने के लिए एक बार ठंडे पानी से इसमें धो लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेनर से इसको छान लिया है और ठंडे पानी से भी धो लिया है, और इसका टेम्परेचर काफ़ी कूल हो गया है। जबकि हमने इसे बहुत अच्छे से कुक कर लिया है, तो इसके छिलके भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए आसान से टूट जाएंगे, नॉर्मली हम तोड़ते छिलके तो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इतना हमने बॉईल किया है कि आसान से टूट जाएंगे, हमें बिल्कुल प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये बहुत ही अच्छे से स्टीम्ड हुए हैं, कुक्ड हुए हैं। ये देखिए हमें इसे छिलके के साथ ही खाना है, और बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी और हल्का सा नमकीनपन है इसमें, खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो गप्पे मारते हुए इस तरह से एक एक निकालें और खाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, गर्मा गर्म है ये अभी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले से आप निकाल लें और साइड में इसे इस तरह से कलेक्ट करते जाएं। बहुत ही इजीली निकल जाता है देखिए, और हम इस तरह से कलेक्ट करते जाएंगे। ये इतने सॉफ्ट है दिखाते हुए, इवन ये जिसके दांत नहीं है ज़्यादा, कम दांत है, कमज़ोर हैं, वो भी आसानी से चबा के खा सकते हैं, बच्चे आसानी से खा सकते हैं। तो इस तरह से जमा कर लीजिए और आप मज़े से खाइए, या फिर ऐसे एक एक करके निकालिए और अपने मुंह में डालते जाइए, एंजॉय करते जाइए। सो टेस्टी, इतनी सिंपल चीज़ होने के बावजूद भी इतनी टेस्टी है, और आई डोंट थिंक सो उपवास में व्रत में इससे बढ़िया चीज़ खाने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो एंजॉय बॉइल्ड कुक्ड स्टीम्ड सिंगदाना, एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, सी यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।